बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेहज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और जूँ जूँ इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सियासी इत्तेहाद भी जो हैं वो ज़ोर पकड़ते चले जा रहे हैं और नून लीग के जो इत्तेहाद हैं उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि MQM जो है वो लाहौर आई और MQM का वफ़ जो है लाहौर आया। इधर से हमने देखा कि लाहौर से एक वफ़ जो है नून लीग का वो कराची गया और फिर MQM से सिर्फ मुलाकात नहीं की बल्कि GDA से भी मुलाकातें हुई और दीगर जमातों से भी मुलाकातें हुई। सुबह बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या JUIFA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ भी कोई नून लीग का इत्तेहाद होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सारी सूरत हाल में वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ है और मुफाहमत की बात हो रही है और इस सारी मुफाहमती पॉलिसीज़ के अंदर जो एक हमें अहम अंसर नज़र आता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि जब भी लफ्ज़ मुफाहमत आता है तो अचानक से जो है आसिफ अली जरदारी साहब का जो इमेज है वो आंखों के सामने उभर आता है। लेकिन इस सूरत हाल में जब नून लीग इस मरतबा मुफाहमत के बयानिए को लेकर चल रही है और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद बना रही है 2024 के इलेक्शन के लिए, तो पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि 2024 के इलेक्शन में हमारा जो घोड़ा है इलेक्शन के मैदान में बिल्कुल अकेला उतरेगा। तो इनकी सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं ये इत्तेहाद, जबकि वो अकेले मैदान में उतरने की बातें कर रहे हैं, किसी से इत्तेहाद की बातें नहीं कर रहे, और कितना सियासी जमातें जो हैं वो कौमी अहमियत की और हैसियत की हामिल हैं कि उन्हें अब इत्तेहाद करने की ज़रूरत पेश आ रही है, और सियासी माहौल जो है इंतखाबी माहौल जो है वो क्यों नहीं अभी तक बन पा रहा, क्योंकि एक महीना इलेक्शन और इंतखाबी माहौल जिस तरीके से हम देखते रहे, माजी में भी देखते रहे, बड़ी गहमा गहमी, बड़े जलसे जुलूस और इस तरह के मामलात होते थे, तो अभी तक हमें उस तरीके के मामलात नज़र नहीं आए और अवाम में कितनी तहरीक अभी बाकी है। इत्तेहाद के हवाले से भी बात करेंगे कि ये जितने भी इत्तेहाद हो जा रहे हैं ये कितने हकीकत पसंदाना है। तो अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं इलेक्शन की सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए और सियासी सरगर्मियों के हवाले से और सियासतदानों की जो मुलाकातें हैं वो इन मुलाकातों को बहुत गौर से देखते हैं। इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी उनसे जानना चाहूँगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से भी उनके सामने सवालात हम रखेंगे। तो जनाब नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, और जनाब बेगराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा, क्योंकि हमने देखा कि मुफाहमत की बातें, इत्तेहाद की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जूँ ही नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने यही कहा जी कि तमाम जमातों को हम साथ लेकर चलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या 2024 की तमाम जो 2024 की इलेक्शन है उसमें तमाम जमातों का सियासी नारा जो है वो मुफाहमत पर मबनी होगा? यहाँ पे तो इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए, लेकिन जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि यहाँ पे इलेक्शन का कोई माहौल ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि किसी के ऊपर भी कोई केसेस है, आप ओपन ट्रायल में करें, उसको यह हक हासिल होना चाहिए कि उसको तमाम जो अदालती फैसिलिटीज है वो मौजूद हो। लेकिन जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, जिस किस्म की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वो तो इलेक्शन का माहौल बन ही नहीं पा रहा और लोगों को अभी भी शदीद तहफ्फुज़ात हैं कि पता नहीं इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। एक तो ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की मशावरत के बाद जो तारीख तय की गई है, तो उसकी वजह से लोगों को यह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है तो इलेक्शन शायद हो जाए, लेकिन फिर भी वो शायद वाली बात है, डाउट से। तो मुझे नहीं लगता, आप देखें कि नवाज शरीफ साहब वापस तो आ गए हैं, बहुत पॉपुलर लीडर रह चुके हैं पंजाब के, पाकिस्तान के, लेकिन वो कोई जलसा जुलूस नहीं कर पा रहे। आप नॉर्मल हालात में आवाम के पास नहीं जा पा रहे और कोई भी सियासी जमात आवाम के पास नहीं जा पा रही, क्योंकि वो आवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि 16 महीनों पहले जिस तरह उन्होंने अदम एतमाद के जरिए PTI की गवर्नमेंट खत्म की थी और जो वादे किए थे आवाम से, वो क्या वादे किए आपने? तो आवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया है, बिजली के बिल की वजह से लोग जो है वो मकरूज होके रह गए हैं, तो आप उनके पास किस तरह जाएंगे? तो इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। जिस तरह आपने वोट को इज्जत दो वाली बात की थी, वोट को इज्जत दो वाली बात कहाँ रहेगी? नून लीग की साथ मुफाहमत की है, अपनी मद्दे मुकाबिल सियासी जमात को आपने बिल्कुल कॉर्नर करके रख दिया है, आप कहीं अवाम में नहीं जा पा रहे, आप जल से जुलूस नहीं कर पा रहे। अभी तक तो आपने टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू नहीं की, और उसकी सबसे बड़ी बात, उसकी जो रीजन है वो ये है कि हमारे मुल्क में नौजवान इस वक्त तकरीबन 11 करोड़ की तादाद में मौजूद है। इलेक्शन वाला माहौल नहीं है, जब तक आप
तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं करेंगे, एक इलेक्शन का माहौल नहीं बनाएंगे, लोगों को अपने पॉपुलर लीडर्स को वोट देने की इजाजत जब तक नहीं दी जाएगी, ये इलेक्शन इलेक्शन तो नहीं होगा, बस ये एक ढोंग होगा। एक जिस तरह आपने देखा 70 में इलेक्शन हुए, पॉपुलर लीडर को आपने बाहर किया, पॉपुलर लीडर को वजीर आजम नहीं बनने दिया, उसका नतीजा क्या निकला, अपना आधा पाकिस्तान चला गया। तो खुदा ना खास्ता हम इस तरह की चीज़ के दोबारा मुतमिल नहीं हो सकते। तमाम बड़ों को सिर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन है और जो नौजवान नस्ल एक हैजान में मुबतला है, उसका आपको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। अच्छा नसीम साहब, आपने एक शायद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया इलेक्शन के हवाले से, इस हवाले से मैं आपके सामने सवाल रखूंगा और साथ ही इस पोलराइजेशन के खात्मे किस तरीके से मुमकिन है इस हवाले से भी। बेगराज साहब, आपसे सर जानना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब का जो वोट को इज्जत देने का बयानिया था, क्या आपको लगता है कि वो इस बयानिए से दस्तबरदार होकर अब मुफाहमत के बयानिए पे चल निकले हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब तमाम पार्टियों को हम अपने साथ लेकर चलेंगे, और साथ ही साथ जब हमने देखा मुझे क्यों निकाला का नारा भी हमने देखा, वोट को इज्जत दो का नारा भी हमने देखा, और उसके साथ जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि अब सबको साथ लेकर चलना है। अच्छा, एक तो ये है कि बयानिया इसलिए नहीं होता कि वो सारी जिंदगी बयानिया जारी रहे। जब बयानिए का मफहूम पूरा हो जाए तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी बजाते खुद उस बयानिए की जीत है। ये जब वो वापस आ गए हैं और यहाँ आकर वो इलेक्शन कंपेन जो है वो चला रहे हैं और वो मीटिंग्स कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, और वो सियासी पार्टियों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके बयानिया जीत गया। अब इस मुल्क को उस बयानिए से आगे बढ़ना है, और वो है टारगेट सबका, तमाम अदारों का और सियासी पार्टियों का, वो है पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम। और मुआशी इस्तेहकाम के लिए जो जो पार्टी जितना जितना काम करेगी उसे अवाम में उतनी ही पजीराई हासिल होगी। रद्द अमल का शिकार पार्टियां जो हैं वो रद्द कर दी जाएंगी, और चाहे वो माजी में कितने मकबूल तरीन रहे, चाहे उनके साथ नौजवानों की कितनी तादाद है, लेकिन जो भी मनफी सोच का हामल सियासतदान आएगा वो अलग थलग होता जाएगा। इस वक्त ये जो सियासत की जो डगर है वो तय हो चुकी है और सियासत का हदफ तय हो चुका है कि इस मुल्क को मुआशी दलदल से निकालना है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यही बयानिया जो है वो दिया है कि अब जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है, सबको साथ मिलाकर चलने की जरूरत है, ताकि खुशहाली जो है वो मंजिल तय कर ली जाए। और उन्होंने दोबारा अपना नारा वो दोहराया है, अगरचे वो एक ख्वाब है कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। और इसके लिए अभी हमारे दोस्त जो हैं सिद्दीकी साहेब, वो उन्होंने एक पार्टी का एजेंडा पेश किया पूरा, उनका हक है, आप जाहिर है उन्हें बुलाया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी है उनके बकौल तो बहुत ज्यादा है, और वो बाज लोग तो कहते हैं जी 98% नौजवान उनके साथ हैं, तो वो जो 90-92 में पैदा हुए थे अब वो नौजवान तो रहे नहीं है, खैर वो भी मेरी तरह अब उम्र के इस हिस्से में है जहाँ काफी संजीदगी से सोचना पड़ता है। यही वजह है कि हमने देख लिया कि उनकी गिरफ्तारी पर कितने नौजवान जो है वो सड़कों पर आए हैं, और यहाँ गोली नहीं चली, किसी का खून नहीं बहा। आपके जुमले के बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं भी बुजुर्गी वाले पैटर्न में जा चुका हूँ। नहीं, अब आप अगर देखें जी, अगर आप दावा करें कि आप टीन एजर हैं तो वो तो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है ऐसे ही हथेली पर सरसों जमाने वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल आप बहुत अभी नौजवान हैं और आप। अच्छा बेग साहब, आप ये बताइए आपने मनफी सोच के हामिल की बात की कि आपने कहा कि सियासी लीडर जो है मनफी सोच के हामिल को कोई अब जगह नहीं मिलेगी इस सारे कल्चर में, तो अभी जो पार्टियां हैं वो कितनी मुस्बत सोच के हामिल आपको दिखाई देती हैं? मुझे ये बताएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं जो रोज टीवी पर बैठकर नून लीग के साथ मसनू जंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कुछ याद नहीं है ये किसने पीडीएम बनवाई थी, किसने तरीके अदम एतमाद करवाई थी, और सियासत का बादशाह किसको कहा जाता है,
और अब वो कह रहे हैं जी हम इसमें भी शामिल नहीं है, इसमें भी शामिल नहीं है। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं ना उस वक्त की जरूरत थी। दोगलापन जो है और मुनाफकत जो है वो हमारी सियासत का हमेशा हिस्सा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसको जल्दी वो इन्हें तर्क करना पड़ेगा। देखें जो मुस्तकबिल का नक्शा है वो बिल्कुल सीधा साधा है कि नून लीग जो है उसकी कोशिश है कि वो दो तिहाई अक्सरियत ले, कोशिश है उसकी, मुझे नहीं पता वो कामयाब होते हैं या नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत तरीन हिजब इख्तलाफ के तौर पर सामने आएगी। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो आपको पता है कि 3 हिस्से तो उसके ऑलरेडी हो चुके हैं और बाकी जो है वो उसमें क्या होने जा रहा है। सर मैं इस पे आपका पॉइंट देता हूं, इस पे आपका पॉइंट देता हूं। मैं एक सिर्फ आखिरी बात करना चाहता हूं। मैं तहरीके इंसाफ के दोस्तों से ये अर्ज करना चाहता हूं कि यार नूर ये जो वो कहते हैं ऐ शमा तुझ पे ये रात भारी है, जिस तरह तमाम उम्र हमने गुजारी है, इस तरह नून लीग के ऊपर तो तवील तरीन किस्म की आजमाइश आई। उनका एक MPA एक MNA नहीं टूटा। मेरे अपने अजीज हैं जो जेलों में रहे, जिन्होंने तशद्दुद सहा, जिन पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए, कोई नहीं टूटा। ये क्या वजह है कि ये जिस तरह बचपन में हम ईंटों से एक ट्रेन बनाया करते थे, एक ईंट को धक्का लगा तो सारे जो है वो गिरते चले गए, आखिर कोई तो वजह होगी। इसका मतलब है ना कोई नजरिया है वहां पर था ना है, जिन्होंने जोड़ा था उस ट्रेन को उन्होंने पीछे हट गए, वो ट्रेन उधर के बोगियां बोगियां अलग हो गई हैं। अब आप किसका नाम लें और किसका छोड़ें, तितर बितर होके रह गए हैं। अच्छा सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो नसीम सिद्दीकी साहब के सामने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी और लव शायद के हवाले से भी सवाल रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन सियासी माहौल के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे बात का आगाज़। सर फरमाइएगा, आपने शायद लफ्ज़ का इस्तेमाल भी किया, आपने कहा कि इंतखाब होते हैं क्यों नहीं होते, और जितने भी सियासी मुबस्सरीन हैं वो भी तकरीबन इसी बात का जो है इम्कान जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? और साथ ये भी फरमाइएगा कि 2024 के जो इंतखाबात हैं उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड इतना बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि हमने जब से इंतखाबात की बात हो रही है, तैयारियों की बात हो रही है, हमें एक लफ्ज़ जो है वो बहुत शद्दोमत से सुनाई दे रहा है और उसकी गूंज बहुत ज़्यादा है, और वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने जिस तरह कहा ना कि इलेक्शन के बारे में शायद वाला लफ्ज़ क्यों है, आपने देखा कि जब से सियासी गवर्नमेंट गई है और निगरान हुकूमत मौजूद है, और आपने देखा कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, और आपने देखा कि स्मगलिंग में कितने हद तक कमी आई है, डॉलर का रेट कितना नीचे आ गया है, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो लोग ये इस पर समझते हैं कि अगर भाई ये हालात इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, आवाम को रिलीफ मिल सकता है, तो ये सियासतदानों का जब दौर होता है वो उस वक्त क्या कर रहे होते हैं। हमारी पाक फौज की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस तरह अपना आपने देखा था कि दहशतगर्द सवात की पहाड़ियों के पीछे तक पहुंच गए थे, कि हमारी पाक फौज है जिसने दिन रात मेहनत की, इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया, शोधा की हमारे ऊपर जो है वो कर्ज है, और इस तरह दहशतगर्दी के मेहनत को खत्म किया। और अभी भी यही सिचुएशन है कि हमारी पाक फौज सिक्योरिटी फोर्सेज इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, और आपने देखा कि मुख्तलिफ जगह पे कोई ना कोई वाकया होता रहता है। तो वहां पे अगर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इलेक्शन का माहौल बनता है, और जिस तरह मेरे अभी दोस्त बात कर रहे थे कि मनफी सियासत आगे आती है, सिर्फ मनफी सियासत मेरे ख्याल से सिर्फ PTI ने नहीं की। आपने देखा था एक दौर में शहबाज शरीफ कहते थे कि हम जरदारी साहब को सड़कों पर घसीटेंगे, पेट फाड़ के पैसे निकाल लेंगे, तो और इसी तरह के जो है वो नवाज शरीफ की तरफ से उनके ऊपर अटैक होते थे, जरदारी साहब उनको ज़ियाउल्लाह का बेटा बोलते थे। तो जब ये चीज़ होगी, मनफी सियासत होगी, आपके मुल्क में एक हैजान पैदा होगा, तो दहशतगर्दी को दवाम मिलेगा। तो इस नज़रिए के तहत पाकिस्तान की मईशत अगर बेहतर डायरेक्शन पे जा रही है और दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिस तरह आयन में तरामीम होती हैं पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, तो उसमें आगे चला जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की लेवल प्लेइंग फील्ड की, मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी तर्जुमानी की है नून लीग की, मैं तो दलाइल पर बात करता हूँ। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आए थे, उनके ऊपर तो इतने मुकदमे थे, वो डील के तहत आए हैं, वो किसी बयानिए के तहत नहीं आए। बयानिए के तहत आए हैं तो वो जरा आवाम में तो जाके दिखाए ना, तो उनका बयानिए का पता चल जाएगा। आवाम में तो जाने की उनमें जरूरत नहीं है, वो सिर्फ साजिशें और डीलें करते फिर रहे हैं। भाई आप क्या मुफाहमत इस वक्त कर रहे हैं? इस वक्त इलेक्शन है, आप खुला मौल दें, पीपल्स पार्टी आए, JUIF आए, ANP आए,
पीटीआई है, सब इलेक्शन लड़े अपने मंशूर के ऊपर। जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए और किसी के पास दो तिहाई अक्सरियत या सिंपल मेजोरिटी नहीं होती, फिर वो जरूर मफामत करे और अपनी हुकूमत बनाने के लिए या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। लेकिन अभी से क्या मफामत चल रही है, इसके बंदे तोड़े, उसके बंदे तोड़े, उधर जाके बलूचिस्तान में तोड़फोड़ हो रही है। जो पीपल्स पार्टी पीडीएम, आप एक हुकूमत का हिस्सा थे, 16 महीने आपने बिला शराकत गैर पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है, अब आपके इख्तलाफात क्यों खुल के सामने आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशन है, वो देख रहे हैं कि किस तरह आपने के नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं। अगर वो दो दिन के लिए जेल चले जाते, अदालत में जाते, थोड़े दिन उनका केस चलता और उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता तो सब लोग उसको मान लेते। लेकिन जिस तरह एक सजा याफ्ता मुजरिम को पहले आपने 50 रुपए के बॉन्ड पे बाहर भेजा, फिर 4 साल तक वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं तशरीफ लेके आए? अगर कोई उनकी डीलिंग नहीं हुई थी तो इसीलिए नहीं आए ना। जब डील हो गई तो आप देखें कि उनको फुल वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल रहा है, स्टेट जो रेस्ट हो गए, अपना लिविंग रूम है वहाँ पे, लाउंज है एयरपोर्ट पे, वहां बुलाया जाता है, नादरा का अमला जाता है वहां पे जाके लेता है। हमें कोई एतराज नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं नवाज शरीफ साहब से। यही नौजवान जो हमारे हैं ये सवाल पूछते तो हमारे पास उसका जवाब कोई नहीं। नसीम साहब, यही सवाल जो है दीगर सियासी जमातें भी पूछ रही हैं। अगर आप देखें, दीगर सियासी जमातों का भी यही कहना है कि इतना प्रोटोकॉल आखिर क्यों? हाँ, तो यही सब पूछ रहे हैं ना, तो बताए ना कि ये बयानिया की जीत है या आप कोई डील करके आए हैं? क्यों मौलाना फजल रहमान के पाकिस्तान के सियासतदान नहीं है? जरदारी साहब पाकिस्तान के सियासतदान नहीं है? बाकी तो किसी को इस तरह प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। निगरान गवर्नमेंट आप पंजाब में देख लें कि पूरी की पूरी नून लीग की बी टीम लगाई हुई है। वफाक में आप देख लें कि जिस तरह अफसरान थे अपना, फवाद हसन फवाद साहब हो गए, अहमद चीम चीमा साहब हो गए, तौकीर शाह हो गए, बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, बड़े काबिल ऑफिसर्स हैं, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन उनकी नून लीग के साथ एक डायस्पोरा बनता है, वो जेल भी उनकी वजह से गए, तो क्या मुल्क में इस तरह के ऑफिसर्स खत्म हो गए जो आपको मजबूरन उन्हीं लोगों को लगाया जा रहा? तो इसी वजह से तमाम सियासी जमातें भी जो है वो एतराज कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही, सिर्फ एक पार्टी के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है और उन्हीं के लिए तैयारी हो रही कि इनको 2/3 मेजोरिटी दिलवा दें। भाई अवाम के पास जाओ, अवाम इलेक्शन में नवाज शरीफ को 2/3 मेजोरिटी दे, मुझे कबूल है, जरदारी साहब को दे, मुझे कबूल है। लेकिन अगर सियासतदान एतराज कर रहे हैं, सियासी पार्टियां एतराज कर रही हैं, तो मेरा एतराज करना क्या बनता है? और मैं यही कहता हूं कि हमारे मुल्क से ये पोलराइजेशन जो है ना, इसको खत्म होना चाहिए, ये नफरत खत्म होनी चाहिए, खास तौर पे इदारों के खिलाफ। हमारी पाक फौज की बहुत कुर्बानियां हैं, हमें एक आजाद मुल्क मिला हुआ है और आजाद मुल्क की हिफाजत पाक फौज करती है। और अगर आपको इसकी कोई मिसाल लेनी है तो आप देख लें कि फलस्तीन से पूछे आजादी की कीमत, मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछे आजाद मुमलिकत की कीमत। तो पाक फौज को, इदारे को, पॉलिटिक्स में किसी को भी नहीं घसीटना चाहिए, भले पीटीआई हो, भले नून लीग हो। नून लीग ने क्या कुछ नहीं कहा फौज के बारे में, असेंबली में खड़े होके उन्होंने कहा कि हमारी हड्डियों पे से गोश्त नोच लिया, ख्वाजा आसिफ के ये अल्फाज भूल गए, जरदारी साहब ने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे। किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। और 9 मई की हम सब मजम्मत करते हैं, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व है खुली अदालत में केस चलाएं और उनको सजाएं दें ताकि लोगों के लिए इबरत बने। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तभी बनेगी जब इलेक्शन फेयर एंड फ्री होंगे। किसी एक पार्टी की झोली में उठा के सारी चीजें रख देने से इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे और उसके ऊपर अवाम भी एतराज करेगी, मुल्क भी नहीं आगे चलेगा। आपके पास मिसाल 70-71 की मौजूद है और उसके बाद यानी शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात जो हैं वो वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। नसीम साहब, आता हूँ आपकी जानब। बेग साहब फरमाइएगा, एमकेएम का लाहौर आना और फिर इसके बाद नून लीग का कराची जाना, फिर वहाँ से सिर्फ एमकेएम के साथ मुलाकात नहीं बल्कि जेडीए के साथ मुलाकात भी करना, जेयूआईएफए और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ भी मामलात और इत्तेहाद, तो इस सारे इत्तेहाद का क्या फ़ायदा नून लीग को होगा आने वाले दिनों में 2024 में? अच्छा, एक तो पहले मैं अपने ये दोस्त जो हैं इनसे मैं दस्त अर्ज करूंगा कि जो दिल तजिया करें, लेकिन खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान 71 का वाकया हो जाएगा, सामने रखें ये करें वो करें, खुदा के वास्ते इन लफ्जों को आप छोड़ दें। बहुत इन लफ्जों का यूट्यूबर्स जो हैं आपके, उन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया है, इमरान खान साहब ने खुद इस्तेमाल किया है, आज वो खुद टूट गए हैं इस मुल्क को तोड़ने की जो बुशारतें पता नहीं क्या तंबीहात करते थे और धमकियां देते थे। और ये मुल्क जो है ये सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ना उसके चाहने वालों का है, ना सिर्फ नवाज शरीफ का है और उसके चाहने वालों का है,
ना जरदारी या किसी मौलवी के चाहने वालों का है। ये 25 करोड़ लोग किसी एक सियासतदान के गुलाम नहीं है कि जिसकी वजह से ये मुल्क टूट जाएगा। 9 मई को तोड़ने की कोशिश कर ली हर चीज आपने, उसके बावजूद अभी तक आपको, मैं आपसे मुराद खुदा ना हस्ता वो अपने जो पार्टिसिपेंट है उनको नहीं कह रहा, उन लोगों को कह रहा हूं कि खुदारा अब तो रजू कर लें, ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, ये कायम रहेगा, ये हादसात होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जब बोलें तो यही कहें कि अगर इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली तो बस जी मुल्क टूट जाएगा। जी 71 का वाकया आप देख लें, 71 था, ये 2025 है और इसके तकाजे भी और हैं, इसकी इसके मामलात भी और हैं। यहाँ पख्तूनख्वा वाले तोड़ने आए, तोड़ के चले गए, ग्रेटर बलोचिस्तान वाले आए, कहाँ हैं वो सिंधु देश वाले, कहाँ हैं एमकेएम जो बनाना चाहती थी उर्दुस्तान या पता नहीं क्या करना। अब भाई छोड़े, ये यहाँ पर शोहदा ने खून देकर इस मुल्क को मुतहद रखा हुआ है, किसी का एहसान नहीं है इसके ऊपर। यहाँ पर जो है माओ के बेटे जो हैं उन्होंने अपने लाशें जो है बिछाए हैं और इस मुल्क की हिफाजत की और कर रहे हैं, और ये जो कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने से पहले 2018 की बात करें, मजम्मत करें, कहें 2018 में इमरान खान ने गलत किया और उसे चाहिए था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होती और मुखालफीन को जेलों में ना ठोंसते और उनको धमकियां ना देते दियारे गैर में जाकर और हर वक्त जो है उनका नाटका बंद ना करते। अगर आज नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और वो यहां तक कह रहे हैं कि जो 9 मई में मुलव्वस नहीं पीटीआई के लोग, हम उनसे भी मुजाकरात करेंगे और इनकी इतला के लिए और आपके चैनल की इतला के लिए वो मुजाकरात हो रहे हैं ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से आपको ये मैं इतला कर रहा हूँ कि अंदर खाते जो है वो बातें हो रही हैं, बातचीत चल रही है और पूरी कोशिश है इस वक्त सियासतदानों की के ऊपर से वो जो दिल नारे मारते रहे। अच्छा बेग साहब, इत्तेहाद के हवाले से बताइए ना कितना कामयाब होगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि मियां नवाज शरीफ ने पहले भी जो इत्तेहाद किए थे वो पूरी तरह कामयाब हुए थे। अच्छा, दो तिहाई अक्सरियत ली थी, ये सारे वही लोग हैं जो दोबारा नून लीग में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मुझे आप नून लीग का पेंट ना करें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क की जरूरत ये है कि और कोई इस वक्त लीडरशिप बची नहीं है, एक मजबूरी बन गया मियां नवाज शरीफ, सिस्टम की मजबूरी बन गया, पूरे मुल्क का एक जो है वो वायद एक ही जरिया बन गया कि जो लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा करने का तजुर्बा रखता है। ये लोग जो आज मिल रहे हैं ये सारे वही लोग हैं पंजाब में, और जो बलूचिस्तान में मिलेंगे वो भी नून लीग में शामिल थे कभी, इसलिए, और जो सिंध में मिलेंगे वो भी शामिल है, केपी वाले भी नून लीग में कभी शामिल हुआ कर रहे थे, बिछड़े हुए लोग हैं। एक बार फिर अगर मियां नवाज शरीफ उनके चौधरी शुजात के घर चला जाएगा वो भी साथ हो जाएंगे, बाकी लोग भी जो है वो सारे आ मिलेंगे, क्योंकि मिशन इस वक्त एक ही है और वो ये कि सियासी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम के लिए। बेग साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, और इस सारे इत्तेहाद के बाद जो हुकूमत सामने आएगी वो हुकूमत क्या होगी और किस तरीके से वो अपने जितने भी मिशन हैं उनको वो पूरा करेगी, इसी हवाले से आपके सामने मैं सवाल रखूँगा। लेकिन ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, 2024 के इंतखाबात और सियासी सूरत हाल, नसीम साहब फरमाइएगा कि अगर इस सारे सिनेरियो को हम देखें, सियासी माहौल को हम देखें, जिस तरह आपने कहा कि अवाम में भी आपको वो जज्बा और सियासी तहरीक नज़र नहीं आ रही, ये फरमाइए कि क्या वजह है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो कौमी अहमियत और हैसियत की हामिल नहीं रही है, सबको इत्तेहाद की जानिब बढ़ना पड़ रहा है और एक दूसरे के साथ मामलात और सीट एडजस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। देखिए, बात फिर हो रही है कि आपको अवाम का जज्बा कैसे नजर आएगा, आपको अवाम में जाएंगे तो पता चलेगा ना। और फिर ये जिस तरह बात अभी नवाज शरीफ साहब की हो रही थी, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ये हम फैसला तो कर लें
कि नवाज शरीफ ही आखिरी च्वाइस है, वही कैपेबल है। 1999 में बताया जाता है कि वो तो जहाज अगवा करा रहा है, वो तो अपना अगवाकार है, दहशतगर्दी के मुकदमात थे, फिर हुदैबिया पेपर मिल आ जाता है, फिर कौन कौन से केस नहीं आता। हम अगर पुरानी कोई मिसाल देते हैं तो आपको बुरा लग जाता है कि भाई आप 70-71 की मिसाल ना दें। चले हम नहीं देते, लेकिन दुनिया जो है अगर तारीख से सबक नहीं सीखती तो वो कभी सबक नहीं सीखती। आज भी यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हैं, उससे उन्होंने लेसन सीखा है। और आज आप एक पासपोर्ट आपके पास है, आप 29 मुल्क घूम के आ सकते हैं, उनके मौशी हालात बेहतर है, उन्होंने आपस के तल्लुकात बेहतर किए हैं। तो तारीख से तो सबक सीखना चाहिए ना, उसके जिक्र से घबराना या डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं है। जितनी पाक फौज से इदारों से आपको मोहब्बत है, हमें भी उससे ज़्यादा मोहब्बत है। हमारी फैमिली के लोग हैं, हमारे घरों में शोधा हैं, उससे तो कभी किसी ने इनकार नहीं किया। हम तो बात कर रहे हैं पोलिटिकल पोलराइजेशन की, और उसमें डेफिनेटली किसी ना किसी का हिस्सा तो होता है ना। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमे चले, डेली उनको अदालत में बुलाया जाता था, केसेस थे, सजाएं दी गई, और फिर एकदम से उनकी सजाएं माफ कर दी गई, वो बिल्कुल पवित्र हो गए, तो लोग इसके बारे में सवाल करते हैं। लेकिन नसीम साहब इसमें सियासी जमातों का, सियासतदानों का भी तो कसूर है कि वो क्यों देखते हैं किसी और की तरफ और इशारों की तरफ। अगर यही बातें देखी जाएं और सारी की सारी 2018 की भी देखी जाए, उससे पहले की तारीख का भी मुताला करके देख लिया जाए, तो क्यों है ये? सियासतदानों का भी तो इसमें किसी हद तक कसूर है कि वो इशारों के इंतजार में रहते हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। वाकई हमारे सियासतदानों को शायद अपने ऊपर यकीन नहीं है, या उनके करप्शन के वाकयात इतने होते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अभी आप देख लें कि 2018 में अगर इमरान खान साहब जिस तरह तब्दीली लाना चाह रहे थे, और अगर उनको किसी सूरत में हुकूमत दी गई थी तो उनको नहीं लेनी चाहिए थी। उनको चाहिए था कि जब तक पब्लिक से वोट लेके वो मेजोरिटी में ना आए, उनको नहीं लेना चाहिए था। अभी आपने देखा कि किस तरह पीडीएम की हुकूमत ने जो है टुकड़े टुकड़े हो गई थी, लेकिन सिर्फ इमरान खान को इक्तदार से बाहर निकालने के लिए वो सारे इकट्ठे हो गए, और जो ही हुकूमत गई है तो उनके एतराजात खुल के सामने आ गए। आपको याद होगा कि जिस तरह जुनेजो की हुकूमत खत्म की गई थी, और वो तो एक मिसाल है पाकिस्तान में कि वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब थे पंजाब के, उन्होंने रिजाइन दिया, और निगरान वज़ीर आला भी जिलानी साहब ने उन्हीं को बना दिया। तो इस मुल्क में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि आप अपने मकसद के लिए अपने बयानिए से हटके आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं सियासतदान, और फिर मुल्क में इस किस्म का माहौल पैदा कर दिया जाता है जिससे नुकसान सिर्फ आवाम को होता है। ये सियासतदान, ये ब्यूरोक्रेट्स, इन तबके बच्चे तो मज़े से बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, जायदादें भी हैं, आवाम पिसती है। जिस तरह बिजली के बिल के लिए लोग मकरूज हो गए, जिस तरह महंगाई हुई है, शायद 3 वक्त की जो रोटी खाते थे वो 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब है बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जरदारी साहब है, आप तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और माहौल ऐसा पैदा करें कि किसी को कोई शिकायत ना हो। इस वक्त मौलाना फजलुर्रहमान को भी शिकायत है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने जलसे जुलूस में शिकायत के अंबार लगा रहे हैं। तो भाई इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो फिर जिनसे उनकी डील हुई है उनसे बात करें कि भाई इस वक्त ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए और आजादाना इंतखाबात कराए जाए, ताकि जो आवाम की मकबूल रहनुमा है या आवाम जिन्हें लाना चाहती है उनको लेके आए, ताकि मुल्क आगे तो फिर चलेगा ना। अगर आप 2 नंबरी करेंगे, इलेक्शन में हेरा फेरी होगी 2018 की तरह, 2013 की तरह, तो फिर मुल्क का इसी तरह फिर नतायज जो हैं वो सबको भुगतना पड़ेंगे, और बहुत ही खतरनाक नतायज भुगतना पड़ेंगे। बेग साहब फरमाइएगा, क्योंकि वक्त मेरे पास कम रह गया है, आप ये फरमाइए कि इत्तेहाद की बात हो रही है, सारे इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, कौमी इस्तेहकाम की बात हो रही है उस इत्तेहाद को के पीछे, और कि हम कौमी इस्तेहकाम के हवाले से इस इत्तेहाद को लेकर चल रहे हैं। साथ बताइए कि इसी सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये मखलूत हुकूमतें इत्तेहाद के जरिए से बनने वाली हुकूमत आपके सामने आती है, तो क्या वो बड़े फैसले कर पाएगी, चाहे वो मुआशी इस्तेकाम के हवाले से हो, चाहे वो सियासी इस्तेकाम के हवाले से हो, चाहे वो कौमी इस्तेकाम के हवाले से हो, क्या क्या फैसले कर पाएंगे फिर ये? अच्छा, एक तो ये सिर्फ पाकिस्तान में मखलूक हुकूमतें नहीं बनती, पूरी दुनिया में मखलूत हुकूमतें बनती हैं और चलती भी हैं। अरब भी 16 महीने मखलूत हुकूमत थी, महंगाई के इशू के ऊपर जो बात उन्होंने की सिद्दीक साहब ने, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, लेकिन हुकूमत तो चली चाहे कितनी पार्टियां थी। दूसरी बात यह है कि अभी 30 नवंबर के बाद जो है वो गहमा गहमी शुरू होगी। ये सियासी जोड़ तोड़ बहुत इब्तदाई नौइयत का है, इसमें जो है वो सारी पार्टियां एक एक जलसा जो है वो तकरीबन कर चुकी हैं। मैं इस बात का बिल्कुल हामी हूं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं, अगर उनके लिंक्स हैं और अगर वो
लाडलेपन उनके ऊपर जो है वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि वो लाडले हैं, वो लाडले हैं या नहीं, लेकिन उनकी लीडरशिप का इम्तिहान यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, बाकी जो है स्टेक होल्डर से बात करें और तहरीक इंसाफ जो है उसको पूरी तरह मौका मिलना चाहिए इलेक्शन का। लेकिन सिर्फ इसमें जो 9/11 जो 9 मई का वाकया है उसको निकाल कर बाकी सब को मौका देना चाहिए, और उनकी अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं सियासी जलसे की वजह से बिल्कुल गलत हो रहा है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव सियासत के ऊपर आएगा। दूसरी बात आपने जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है, तो ये देखें ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनका मैं आखिरी जो पैगाम सुना वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है, हम हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि अगर वोट पड़ने हैं तो लोगों ने तय करना है और उन्होंने फैसला करना है, चाहे इलेक्टेबल्स हों चाहे नॉन इलेक्टेबल्स हों, बहरहाल वोट तो फिर भी लोगों ने देने हैं, और लोग वोट जब पर्ची डालते हैं तो अब वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं, उसके ऊपर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होती। इंशाल्लाह ये 2024 के इंतखाबात जो हैं वो पूरी शद्दोमद के साथ होंगे, जोश व जज्बा आप 30 नवंबर के बाद देखेंगे जब सारी हलका बंदियों का आखिरी फैसला आ जाएगा, उसके बाद जो है वो शेड्यूल जारी हो जाएगा और फिर जो है वो जगह जगह हर गली मोहल्ले में वही जोश व खरोश होगा जो सिद्दीकी साहब चाहते हैं, और जो इंतखाबात का नतीजा होगा वो भी पाकिस्तान के हक में होगा, इसकी मजबूती के हक में होगा। मैं कोई विशफुल थिंकिंग नहीं कर रहा, मैं जाहिर है मैं भी मुतालिया करता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, तो नीचे बुनियादी तौर पर नून लीग अपना कारकुन मुतहर्रक कर चुकी है, वोटर जो है वो इनकी बात सही है कि वो अभी तक गो मगो की कैफियत में है, इसी तरह बाकी पार्टियां जो हैं मसलन मौलाना फजल रहमान साहब पूरी मुहिम चला रहे हैं, उनका हर एक्शन जो है वो इंतखाबी मुहिम है, पीपी का हर एक्शन इंतखाबी मुहिम है, रह गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आज अगर इमरान खान साहब अपना किसी नायब को मुतय्यन कर दें और वो पार्टी को संभाल ले जिस तरह नून लीग ने अपने आप को संभाला था, तो कोई मुश्किल नहीं है कि वो इस वक्त को गुजार कर उनका जो है वो इलेक्शन में रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और आइंदा आने के लिए सियासत जो है उसमें भी वो कारगर रहेंगे। नसीम साहब फरमाइएगा कि सारी सूरत हाल को बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब आपसे चाहूँगा लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर ही, कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन करवा पाएगा और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने करवाने हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सारी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन पर जाती है। आपने जो इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन की बात की, मुझे बहुत सख्त एतराज़ात हैं। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन एक दस्ता का इलेक्शन प्रॉपर नहीं करा सका, कराची में उन्होंने जो बलदियाती इंतखाबात कराए आज तक जो है जमात इस्लामी उसके ऊपर इतने ज़्यादा एहतजाज कर रही है, तो इनको जो अरबों खरबों के बजट मिलते हैं इस मुल्क के इन हालात में पहुँचाने में इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का भरपूर हाथ है। इलेक्शन जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है और इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से निभानी है। नाज़रीन, नसीम सिद्दीकी साहब और बेगराज साहब हमारे साथ मौजूद रहे, दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।